Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is standard electrode potential of different metals. तो जैसे बेटा हम मतलब इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन करेंगे, जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं जिनको हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उन मेटल्स का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर किया था, मतलब ये एक्सप्लेन किया था, बट लास्ट टाइम पर कुछ डाउट्स से बन रहे थे, इसलिए आज की वीडियो में ये टॉपिक दोबारा रिपीट कर लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है आज का बेसिक हमारा टॉपिक है बेटा स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड और आपका पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम किससे शुरू करते हैं, ई नॉट, जो भी मेटल होगी जिंक है तो जिंक का बेसिकली हमारा क्या करता है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे आ जाता है आपके पास, ई नॉट। एक्चुअली लास्ट वीडियो में जो कन्फ्यूजन हुआ था बेटा वो बेसिकली इस वजह से हुआ था कि मैं एक बार तो वर्ड यूज कर रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक बार वर्ड यूज कर रहा था इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? जो मेन कंफ्यूजन मुझे लगा जो इस वीडियो में हुआ, किस वजह से हुआ कि मैं कई बार रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल ये वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है, तो एक बार कब यूज कर रहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी का तो एक क्या होगा, दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक आपका क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो हम बाद में लेंगे, आज बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पहले फोकस हो गए। ठीक है बेटा, चलो तो इसमें कुछ चीजें रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। इज इट क्लियर? तो शुरू से कहने का मतलब ये है कि देखो सीधा सा फंडा होता है, अगर हमें कभी किसी चीज का कंफ्यूजन हो जाए तो एक बार उसको बार बार उसी को पढ़ोगे तो कभी कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होता। तो उसका सिंपल सा एक पैटर्न होता है कि आप उसको दोबारा स्टार्ट कर दो। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करोगे तो जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए जरूरी होता है पहले आपको मीनिंग क्लियर हो किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आपका पोटेंशियल का या इलेक्ट्रोड का। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SHE। ठीक है, स्टैंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड का बेटा क्या आ गया आपका E। तो SHE के बारे में, ठीक है, तो याद करो SHE में हम क्या करते हैं, अब याद करो, मैं दोबारा बता देता हूँ पूरा, कि आपने एक बीकर लिया। ठीक है, आपने बीकर लिया, बीकर में क्या करा बेटा, एक प्लेटिनम का पीस लिया, ये पॉइंट था कि प्लेटिनम का ही पीस को लिया। वैसे नहीं हम यहाँ पे सिल्वर गोल्ड वगैरह है ना, आपके कॉपर ये सब चीज़ ले सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम की चीज़ का इसका रीजन चलो ऐसे डाउट क्लास में हो गया था, लेकिन एक बार दोबारा बता, तो प्लेटिनम का पीस लिया पर ना प्लेटिनम ब्लैक, इसको प्लेटिनम से कंप्लीट करके लिया, इसको वायर से कनेक्ट किया। ठीक है बेटा, और इसको हमने एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और इसके ऊपर हमने क्या करें बेटा, एक ग्लास की ट्यूब ली है ना, वो इसको कवर कर दिया और उसमें हमारे पास क्या रखा, एक हमने आउटलेट या इनलेट भी रखा, और इस बीकर में हमने क्या बना रखा है बेटा, 1 molar HCl। ठीक है, और इसको हमने हाइड्रोजन गैस इसमें पास करी। ठीक है, और वो भी इसपे 1 atm के प्रेशर पर। ठीक है, और 298 kelvin जो हमारी स्टैंडर्ड STP है, हमने कंडीशन वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की रखी कि 1 bar है ना atm में, तो आप उसको बुक में कहीं कहीं है ना बेटा 1 bar का प्रेशर होता है, तो 1 bar के प्रेशर पर 298 kelvin का टेम्परेचर पर। एक्चुअली हुआ क्या, जो डिफरेंट और मेटल्स थे जब उसमें HCl से रिएक्शन करती थी तो हाइड्रोजन लिबरेट करती थी, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे जिन्होंने हाइड्रोजन लिबरेट नहीं किया, हमने हाइड्रोजन गैस के लिए बेटा प्रोवाइड किया। तो जब हाइड्रोजन एक आपका इलेक्ट्रोड यहाँ कनेक्टेड है और एक बेटा इलेक्ट्रोड को आपने इससे कनेक्टेड किया। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब हाइड्रोजन जाती है बेटा तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे पहले अपने ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस किसमें ब्रेक कर जाती है, 2H पॉजिटिव में, और कैसे करती है, 2 electrons को लॉस करके। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, मतलब अगर हम इसके प्रोसेस को मैं बोलूँ समझाऊँ, जैसे इस हिसाब से ये हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये पहले क्या बनाता है आपका, एक ये पहले अलग हुआ हाइड्रोजन एटम,
इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो एच प्लस बन जाएगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो एच प्लस बन जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, पहले हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल जो है ना, वो पहले हाइड्रोजन एटम से ब्रेक होता है और वो हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये लॉस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तो हुआ इसके से क्लियर। और यहाँ पर बेटा जो एच सी एल बना हुआ है ये भी तो एच आई और सी एल आई के फॉर्म में है, तो एच सी एल ब्रेक कर गया एच प्लस और सी एल आई के फॉर्म। क्लियर? अब हमारे पास ये जो एच आई है बेटा और हमारे पास सुपर टू है, तो हमने इसको भी टू से कर दिया, भी करोड़ों अणु एच सी एल है यहाँ पर इस एटम में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में करोड़ों अणु मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम जितने चाहे जरूरत उतने ले सकते हैं। तो ये टू एच सी एल आपको ब्रेक करके क्या करेगा बेटा, टू एच प्लस और टू सी एल माइनस। क्लियर है? अब क्या होता है बेटा, कुछ एच आई इस हाइड्रोजन गैस से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को लेके ए टू एच प्लस आई टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो गए दोबारा टू एच, और ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो गई एच टू गैस में, अरे नेसेंट फॉर्म में होते हैं इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक, और ये बेटा कुछ एच आई जो है बेटा वो सी एल आई से रिएक्शन करके टू एच आई टू सी एल आई से करके टू एच सी एल में कन्वर्ट हो। तो हाइड्रोजन ने पहले आपको एच आई दिए और वो एच आई दोबारा सी एल से करके एच सी एल, और यहाँ से मिलने वाले एच आई इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन, तो हाइड्रो तो बात को आप मानते हो ये टू एच इधर ये टू एच है, ये वाला टू एच है ये टू एच है, ये टू सी एल ये टू सी एल, टू इलेक्ट्रॉन ये टू इलेक्ट्रॉन है, आ गया आपके पास क्या बचा रहता है एच टू प्लस टू एच सी एल, और इधर भी क्या है देखो बेटा एच टू प्लस टू एच सी एल, मतलब क्या हो गया जो रिएक्टेंट थे वही बेटा हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन गैस जो है बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम कर रही है और ये वाले एच आई इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, वो ये गेन कर रहे हैं। तो ये तो रिडक्शन में ये एच आई रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके तो ये अपना क्या करा रही है ऑक्सीडेशन करा रही है, तो यहाँ पे ये रिडॉक्स प्रोसेस हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है बेटा, और हाइड्रोजन ही और एच आई ही और रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर एच आई में कन्वर्ट हो रही है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आई। तो ये क्या कहलाता है बेटा हमारा, है ना, हमने जो स्टैंडर्ड लिया वो प्लेटिनम को बना के इस तरीके से, तो हाइड्रोजन के बेसिस पर है, और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है इसका वो कितना, अब देखो चाहे आप इस प्रोसेस पे लो, ये प्रोसेस में कब कि जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या रहता है बेटा तो इस तरीके से कट गया, तो हमारे पास बेटा अब आप जाओगे तो अगर आप इस पर अप्लाई करोगे एक काम क्या हो रहा है यहाँ वाली रिएक्शन कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एच आई में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ का एक पोटेंशियल होगा, मतलब टू एच टू को हमने कर दिया, ठीक है ना, तो एक पोटेंशियल होगा क्लियर, और एक पोटेंशियल क्या होगा, ये एच आई जब इलेक्ट्रॉन ले गए, ठीक है, ये तो क्या हो रहा है देखो ऑक्सीडेशन वाला केस है और ये हमारा क्या है रिडक्शन वाला केस है। तो जब हमने इसको मीटर से जैसे एच आई इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिए किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं एच टू, ये रिएक्टेंट पोजीशन होता है और ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट की पोजीशन। तो यहाँ पे दोनों केसेस में जो हमारे पास वोल्टा मीटर, भाई जो चार्ज पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो इसको चार्ज का फ्लो बोलते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज को आप बेटा जो हमारी पोलारी मीटर होता है या वोल्टेज मीटर से हम कर लेते हैं। तो दोनों केसेस में जब हमने प्रैक्टिकली इसको बेटा कनेक्ट करके जब हमने बेटा इसकी वोल्टेज मीटर में इसकी रीडिंग देखी तो वो कितनी मिली आपको, इस प्रैक्टिकली जीरो ही मिली, तभी तो इसको बेटा हमने एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, समझ में आया। इसका तो चाहे आप ऑक्सीडेशन वाला हाइड्रोजन गैस से एच आई में कन्वर्ट हो, ठीक है नहीं, और हमारे से एच आई एस टू में कन्वर्ट हो, फिर यहाँ हम क्या करते हैं देखो इससे कनेक्ट करके इन दोनों को इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट करके देखो ये क्या काम हो रहा है, एच टू गैस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला काम क्या है, एनोड वाला काम होता है, तो ये आपका एनोड का काम कर जाएगा, ये आपका कैथोड का काम कर गया, ठीक है, ये आपका एनोड बना है ना, ये आपका कैथोड बना, और कैथोड एनोड है ना, तो आपके बीच में क्या आ गया ये हिसाब से कनेक्टेड हो गया, और यहीं पर इन्होंने क्या करा बेटा वोल्टमीटर लगा दिया, बैटरीज भी लगाई और यहाँ इन्होंने एक वोल्टमीटर, तो यहाँ एक रीडिंग आएगी वही चल जाए बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास दो इलेक्ट्रोड लगा के इन्होंने बीच में उसके एक वोल्टमीटर भी लगाया है ना, एक आपके तो वोल्टमीटर ने मीटिंग दी। तो कहने का मतलब चाहे हाइड्रोजन रिड्यूस हो चाहे है ना और सॉरी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर एच आई में कन्वर्ट हो या हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन मतलब रिड्यूस होकर एच टू गैस में कन्वर्ट, दोनों केसेस में बेटा क्या होता है उसका जो पोटेंशियल आता है निकल के, समझ में आया, वोल्ट मीटर में ये यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है जीरो, समझ में आया। तो इससे अब जब इन्होंने इसके बेसिस पर कैसे निकाला, मेन हमें समझाना तो ये था, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है प्रॉब्लम है,
अब हमने क्या करा बेटा, इस वाले वोल्टमीटर को है ना, सॉरी इस वाले सेल को, ये आपको क्या है इससे कनेक्ट कर दिया बेटा हमने एक दूसरे सेल, एक हाफ सेल से लिया। मानी इसमें हमने क्या करा, जिंक की रॉड डाल दी। ये क्या है, जिंक की रॉड है, और यहाँ हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का है ना सोल्यूशन। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या है, अब इसको हमने क्या करा, वही सेम कनेक्टेड किया है ना, इससे कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? और यहाँ पर हमने एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसको सॉल्ट ब्रिज से हमने ये दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट कर दिए, ये दोनों सॉल्यूशन हमने सॉल्ट ब्रिज से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। इसमें केस अब हमने जो बेटा पिछली वीडियो में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भेजा था वो भेज दिया। तो आपको पता है राइट हैंड साइड वाला एनोड का काम करता है, ये आपका एनोड का काम कर रहा है, और एनोड का हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रहा है, ठीक है बेटा। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इसने अचीव कर दिया, तो ये हमारे पास किसका काम करेगी, जो प्लेटिनम की रॉड है बेटा है ना, ये किसका काम करेगी, ये कैथोड का काम कर रही है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेटिनम स्लैश के हाइड्रोजन से, मैं एक स्ट्रक्चर। क्लियर? बेसिकली इलेक्ट्रोड, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस गेम में कोई रोल नहीं, वैसे नहीं करना, ठीक है ना बेटा। चलो हमने इसे कनेक्ट किया, इस पर क्या काम हो रहा है बेटा, जो जिंक आयन है, यहाँ के जो जिंक एटम है बेटा, वो टू इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट करे है ना। इसको मैं इधर लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा, वो जिंक, जिंक आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। क्लियर? और वो दो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्विटेड हुए, घूम के यहाँ चले गए, ठीक है। इसको ये सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। तो अब देखो इसका अपना एक पोटेंशियल होगा, समझे, ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, देखो बेटा ये जिंक से जिंक टू प्लस कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट साइड का जिंक, प्रोडक्ट साइड का बन गया जिंक टू प्लस, और इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो इधर ये, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका जो निकल के आएगा बेटा वो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक निकल के आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब इस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे बेटा, इस वाली कंडीशन से करेंगे, क्योंकि भाई एक पूरे केमिकल सेल में, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे हाफ सेल में क्या होता है, रिडक्शन। अगेन कैथोड वाले सेल में क्या होता है, रिडक्शन, इसमें क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा ये हमारे एग्जाम्पल। अब हम इसको, अब इसका अपना एक पोटेंशियल है और इसका अपना एक पोटेंशियल है, किसका, H प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन करने की अपनी एक पावर है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने की, और जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनने की अपनी एक पावर है। आगे पॉइंट चीज में, तो एक का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक का यहाँ क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो आप देखो हम कैसे निकाल, अब इस लाइन में क्या होता है कि जब हम ये यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है बेटा, जब इसमें चार्ज से इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करके यहाँ पहुंचा, यहाँ के आयन इधर पहुंचे, इधर से सॉल्ट ब्रिज के जो आयन है उन्होंने इसको बैलेंस किया, यहाँ वाले आयन ने इसको बैलेंस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ। तो पूरे में जब एक चार्ज फ्लो करा बेटा, तो यहाँ पे वोल्टमीटर में एक रीडिंग आई, समझ में आया नहीं, भाई वोल्टेज मीटर में क्या हुई, एक रीडिंग आई, जिंक के टाइम पे वो बेटा कितनी आई, आगे समझ में। तो वो हमारे पास में जिंक के टाइम पे जो रीडिंग आई वो कितनी आई आपकी, यहाँ पर जो हमारे ये निकल के आया, ये हमारे पास जिंक के टाइम पे निकल के आया माइनस में 0.76। तो ये तो ओवरऑल सेल का एक पोटेंशियल है ना भाई, अगर चार्ज फ्लो यहाँ से इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे चार्ज बैलेंस किया जा रहा है सॉल्ट ब्रिज के आयन के थ्रू, तो ये पूरा सेल का पोटेंशियल निकल के आ रहा है ना, हम ये नहीं कह सकते ना ये इसका है कि ये इसका है। अब हमने इसका, इसका क्या ले रखा है, जीरो। इसका तो देखो हाइड्रोजन के केस में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो चाहे रिडक्शन को, दोनों ही इसके जीरो होते हैं, तभी तो इसको रेफरेंस लिया इसके बेसिस पे। अब इस एक का तो जीरो है और दूसरे वाले का क्या है बेटा, जो ओवरऑल आ रहा है वो ये, क्या करा जो सेल पोटेंशियल है ना वो क्या करा, ई कैथोड माइनस है ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ आपका क्या बन गया बेटा, एन। ये आपका मीनिंग क्लियर हुआ बेटा। और ये आपका कितना ले रखा है, जीरो, और ओवरऑल जो वहां निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आया, 0.76 वोल्ट ओवरऑल ये निकल के आया। समझ में आया? अब आप जब इसको आपने क्या करोगे, आपने ई नॉट कैथोड इसको निकाल दिया, तो जो कैथोड पे, समझ में, अच्छा सॉरी उल्टा करके मैं, कैथोड ये सेल किसका काम कर रहा है, कैथोड का, तो यहाँ का कितना है, जीरो है ना, और एनोड पे जिंक है, तो ये हमें क्या है। क्लियर? अब हम इसको जब माइनस वाली चीज हम इसको इधर लेके आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो, और ये प्लस वाली है तो इधर क्या बन जाएगा, 0.76। तो जो ई कैथोड निकल के आया E0 है ना, कैथोड को कितना आ गया, माइनस में 0.76 वोल्ट।
इज दैट क्लियर? ये हमारे पास बेटा निकल के आ गया। सच पहले वहां बेटा, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ पॉइंट। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ लिखा था बेटा, अब आया। तो ये हमारे पास जिंक का पता नहीं चलता इस प्रोसेस के थ्रू, इसका हमने जीरो वाला ले रखा है। इस भाई जब यहाँ वोल्टेज मीटर में जो रीडिंग आएगी वोल्टेज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली, वो तो इस पूरे सेल का पोटेंशियल आया। वो कितना आया? वो यहाँ से निकल के जो आया बेटा, ये जो वोल्टेज निकल गया 0.76 वोल्ट है, वो हमने वैल्यू क्या रख दी पूरे सेल में पोटेंशियल पे रख दी। ये जीरो है ठीक है, वो सी वाला हाइड्रोजन वाला सेल किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है। अच्छा ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? तो देखो ये क्या होता है, वोल्टेज मीटर के डिफ्लेक्शन के बेसिस पर होता है। सच में आया नहीं? क्लियर पॉइंट? या प्रैक्टिकली करोगे तब आपको पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन आया उसी बेसिस पर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो कर रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। समझ में आया बेटा? और ये मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें साफ साफ लिख भी रहा, आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा कैथोड करके निकल के आया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आया। अब कैथोड क्या काम कर रहा है? अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें समझने वाली है कि आप बात आती है जैसे कैथोड पे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, और एनोड पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो अब यहाँ पर जो कैथोड और एनोड दोनों के जो पोटेंशियल लिए जाते हैं, जो मेन कंफ्यूजन था कल, अब मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं है कोई वो कंफ्यूजन होगा, यहाँ तक तो सीधे प्रैक्टिकल ही है कि आपने एक रेजिस्टर में दूसरा लगाया, दोनों में करंट फ्लो कराया, वोल्टेज मीटर में रीडिंग कितनी वो इस फॉर्मूले में यहाँ लगाई, इसकी जीरो होती थी यहाँ लगाई थी, तो एनोड की क्या निकल आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली है वो ध्यान से समझना। तो जो सेल पोटेंशियल बेसिकली होता है वो क्या होता है, सेल दो हाफ शेल से मिलकर बना होता है, तो एक हाफ शेल और दूसरे हाफ शेल के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, एक हाफ शेल और दूसरे हाफ शेल इसमें अपना एक पोटेंशियल है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने में पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, समझ में आ गया नहीं? और यहाँ पर अपना एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के बेसिस पर हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल रिडक्शन के बेसिस पर हो रहा है। क्लियर? तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, दोनों ऑप्शन के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है? सेल पोटेंशियल। ठीक है बेटा, लेकिन अब यहाँ पे एक मेजरेबल पॉइंट जो है, जो इस प्लस माइनस की तरफ जाएगा, जो आपकी बुक में एक लिस्ट दे रखी है, उसके लिए भी जरूरी है समझना। ठीक है बेटा, कि यहाँ पर वैसे कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड पर हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना चाहिए और एनोड में जो काम हो रहा है उसमें क्या लेना चाहिए, जो मेटल है मान लो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का क्या निकल के आएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, ये क्या है बेटा, हमारे पास जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये मेन कंफ्यूजन है कि भाई देखो बच्चों को सीधी सी बातें सेल वर्किंग से क्लियर है जी, एनोड पे क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आना चाहिए, ये भी क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ठीक है, अब वो देखो कैसे है, क्यों है, यहाँ पर जो बेटा कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का डिफरेंस लाया, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इसकी जगह कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, पॉइंट आया मेरे समझ में? तो ये हमारे पास एक चीज होती है। अभी ऐसा क्यों किया कि भाई इस सेल पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर भी हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया, इस सेल पर तो चलो कैथोड है, रिडक्शन है तो रिडक्शन, ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिया? तो बेटा देखो उसका रीजन सुनो, उसका क्या माना, भले ही यहाँ पर ये सेल एक एनोड का काम कर रहा है, ये रिवर्स भी कर सकते हैं आप, इसको एनोड का हाइड्रोजन सेल को आप एनोड एज एनोड भी बना सकते हो, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीजन वाला किसका काम करेगा, रिडक्शन का, वर्किंग भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अभी इधर फ्लो कर रहा है तो इधर फ्लो करने लगेगा, समझ में आया नहीं? अच्छा करंट जो मान लो इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उल्टा हो जाएगा, समझ में आ गया नहीं? तो वो ये हाइड्रोजन तो दोनों तरह का काम कर सकता है, ये ऐसे एनोड काम करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तब हम इस वाली कंडीशन को फॉलो करने लगेंगे, पॉइंट मेरे समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो दोनों कर सकता है, लेकिन पॉइंट ये होता है बेटा, तो इस यहाँ से अलग आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको नॉन साइंस एग्जाम्पल, क्लास में मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 30 स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया है ना, तो अगर मैं 30 स्टूडेंट्स में बेटा 10 बच्चों का अलग टेस्ट बनाऊँ, 10 बच्चों का अलग, 10 का अलग, अब मान लो किसी में इजी क्वेश्चन आ गए किसी सेट में, किसी में थोड़े हार्ड है, और सोचो कि अगर जो थोड़ा सा बच्चा कम मेहनत करता है, जिसको नॉलेज कम है, उस पर इजी पेपर चला गया, और जो बच्चा अच्छा मेहनत करता है होशियार भी है उसमें बहुत हार्ड वाला पेपर क्वेश्चन पेपर चला गया, तो आप ही बताओ, अब हार्ड वाला अच्छे बच्चे पे चला गया है ना, उसके 2-3 सवाल गलत हो गए, नंबर कम आएंगे, जो इजी वाला है वो बेकार बच्चे पे चला गया, जिसको जो क्लास में ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता उस पर, और वो
थोड़ी बहुत मेहनत करी और उसके बाद ही सवाल सही हो गए, तो रिजल्ट कैसा आएगा कि अच्छे बच्चे के कम नंबर और जो मेहनत नहीं करता उस बच्चे के नंबर ज्यादा आएगा। तो मुझे सब बच्चों के लिए क्या देना पड़ेगा, इक्वल पेपर देना पड़ेगा? नहीं भाई, मैंने सबको एक साथ क्लास में पढ़ाया है और मैंने क्वेश्चन पेपर आने के बाद जब टेस्ट लिया तो सबको क्वेश्चन पेपर भी एक साथ दिया, तभी तो मैं क्लियर कर पाऊंगा, तभी तो मैं देख पाऊंगा बेटा कि एक सा पेपर देने पर उसको सारे बच्चे किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तभी तो मैं ये देख पाऊंगा कि उनको इक्विवेलेंट मेजर कर पाऊंगा, इवेल्यूएट कर पाऊंगा। वही सेम केस यहाँ पर है, माना अभी एक कैथोड और एक एनोड का काम कर रहा है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है ना, और हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसको रिडक्शन हो रहा है उसको एज ए इसको एनोड बना दूं तो ये इसका ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन भी होगा, तो एक ही मेटल के रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो अब मुझे जब क्षमता देखनी है बेटा, इस पूरे सेल का पोटेंशियल देखना है, तो हम इन्होंने क्या करा, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में से ही घटाया, एक के रिडक्शन पोटेंशियल में से दूसरे के रिडक्शन पोटेंशियल को घटाएंगे, तभी तो हम मेजर कर पाएंगे कि भाई एक की गेन करने की क्षमता अलग है और दूसरे की गेन करने की क्षमता अलग है, एक जल्दी गेन कर रहा है एक देर से गेन कर रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज सेल पोटेंशियल। तो उन्होंने सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या किया बेटा, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया और एक अब दोनों के या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो या दोनों के क्या ले लो, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से ये चीजें हैं, बाकी थोड़ा एक बार इसके नोट्स पढ़ना, ये थोड़ा सा समझ में एक बार में नहीं आता मुश्किल से, अगर आपको आ रहा है तो आप एक बार नोट्स पढ़ना तो आपको थोड़ा क्लियर होगा, नहीं आए तो मैं डाउट आता हूँ दोबारा पूछ, ठीक है बेटा? ओके, क्लियर?